फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और नीट एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट है जो आपको देने जा रही हूँ। लेकिन इसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, ICSE बोर्ड ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल कर रहा है। तो दोस्तों, CBSE बोर्ड एग्जाम ने भी वही पैटर्न अपनाया है। आपको बता दूँ, जिस तरह से ICSE बोर्ड के स्कूलों ने स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के यानी 11th के मार्क्स को मांगा है ताकि उसी के आधार पर 12th के उनको प्रमोट किया जा सके, उसी तरीके से CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी मार्क्स को मांगे गए हैं। तो दोस्तों, इसी आधार पर CBSE बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल हो सकते हैं। फाइनल फैसला जो है वो 1 जून को आ जाएगा और उसी पर डिपेंड है नीट का एग्जाम भी, कि वो सितंबर में होगा या अक्टूबर में। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट था कि ICSE बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।